Hello students, once again welcome back to Cybersecurity Lecture Series, and today we are going to discuss on important topic asymmetric key. In last lecture we have discussed about symmetric key and now we are going to discuss on asymmetric key. Okay, तो आज हम असिमेट्रिक की के बारे में डिस्कस करते हैं. असिमेट्रिक की इसमें क्या होता है, तो पहले मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं कि सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी या सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन मेथड में हमने सेम की का यूज किया था मैसेज को इंक्रिप्ट करने के लिए और डिक्रिप्ट करने के लिए, या कहें मैसेज को लॉक करने के लिए और लॉक को ओपन करने के लिए हम सेम की का यूज करते थे. लेकिन वहां पर जो मेन प्रॉब्लम थी, जो मेन चैलेंज था, वो क्या था, की एक्सचेंज का. अगर मैंने सेम की से किसी मैसेज को इनक्रिप्ट कर दिया या लॉक कर दिया, तो अगर उसे दूसरे रिसीवर को जब वो मैसेज को ओपन करना होगा, तो की एक्सचेंज का बहुत बड़ा उसमें प्रॉब्लम था. तो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हुए एक नई टेक्निक का इजाद किया है, जो कि है असिमेट्रिक की. इसमें क्या होता है, इसमें दो कीज का यूज किया जाता है, एक होती है पब्लिक की और एक प्राइवेट की. ये पब्लिक की और ये प्राइवेट की आपस में एक दूसरे से रिलेटेड रहती है. किस तरह से रिलेटेड रहती है, कि अगर किसी मैसेज को पब्लिक की से इनक्रिप्ट किया है तो वो उसकी प्राइवेट की से ओपन हो जाएगा, और अगर किसी मैसेज को प्राइवेट की से इनक्रिप्ट किया है तो वो उसकी पब्लिक की से इनक्रिप्ट हो जाएगा. इसको थोड़ा और डीप में समझते हैं. पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन. असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी और इनक्रिप्शन मेथड इज अ क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम दैट यूजेस पेयर ऑफ कीज, व्हिच मींस इसमें पेयर ऑफ कीज का यूज होता है. पब्लिक की विच मे बी डिसेमिनेटेड वाइडली एंड प्राइवेट की विच आर नोन ओनली टू द ओनर. पब्लिक की जो होती है, पब्लिक जैसा कि इसका वर्ड से समझ में आ रहा है कि पब्लिकली सबके पास में होती है, वो पब्लिकली ब्रॉडकास्ट की हुई होती है पब्लिक की, और जो प्राइवेट की होती है वो उसके केवल ओनर के पास में होती है. एक एग्जाम्पल के लिए सपोज कीजिए कि मैं कोई सेंडर हूं और मुझे किसी दूसरे पर्सन को मैसेज सेंड करना है, तो मेरे पास में दो की का पेयर होगा, एक होगी मेरी पब्लिक की और एक प्राइवेट की. तो जो प्राइवेट की होगी वो प्राइवेट की केवल मेरे पास में होगी, उसका ओनर केवल मैं होऊंगा, और मैं अपनी पब्लिक की को क्या कर दूंगा, ब्रॉडकास्ट कर दूंगा. तो सपोज ये कोई सेंडर है, इसकी अपनी एक पब्लिक की है और एक प्राइवेट की है. एज इट इज ये जो रिसीवर है, इसकी अपनी एक पब्लिक की है और प्राइवेट की है. अब अगर इस ए को या मुझे बी को या किसी दूसरे पर्सन को मैसेज सेंड करना है, तो मैं कैसे करूंगा उस मैसेज को. पहला केस हम देखते हैं, या तो मैं क्या करूंगा, उसको अपनी पब्लिक की से एनक्रिप्ट कर दूंगा, या तो मैं उस मैसेज को क्या कर दूंगा, अपनी पब्लिक की से एनक्रिप्ट कर दूंगा. मैसेज को एनक्रिप्ट कर दूंगा. अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर कोई मैसेज एक ही पब्लिक की से एनक्रिप्ट हुआ है, तो वो एक ही प्राइवेट की से ही ओपन हो सकता है, या एक ही प्राइवेट की से एनक्रिप्ट हुआ है तो एक ही पब्लिक की से ओपन होगा. अब जब मैंने इस मैसेज को एक ही पब्लिक की से इनक्रिप्ट किया है, तो सीधी सी बात है वो किससे ओपन होगा, एक ही प्राइवेट की. लेकिन एक ही प्राइवेट की तो ए के पास है, बी के पास एक ही प्राइवेट की कहां है, विच मीन्स अगर मैंने इस मैसेज को यहां पर सेंड किया, तो बी के लिए उस मैसेज को डिक्रिप्ट कर पाना या अनलॉक कर पाना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि जो मैसेज है एक ही पब्लिक की से इनक्रिप्ट हुआ तो एक ही प्राइवेट की से ही होगा, विच मीन्स ये केस तो आपका फेल हो गया. ओके, अब दूसरा केस देखते हैं कि दूसरे केस में क्या कर सकते हैं हम. अब अगर मैं बी की प्राइवेट की से इनक्रिप्ट कर दूं, अगर मैं मैसेज को बी की प्राइवेट की से एनक्रिप्ट कर दूं, तो सीधी सी बात है बी की प्राइवेट की से एनक्रिप्ट किया तो वो बी की पब्लिक की से ही ओपन होगा. लेकिन बी की पब्लिक की तो सबके पास में, पब्लिक की तो ब्रॉडकास्ट होती है सबके पास में, विच मीन्स यहां पर कॉन्फिडेंशियलिटी अचीव नहीं हो सकती. अगर मैंने बी की पब्लिक की से उसको एनक्रिप्ट किया तो बी की प्राइवेट की से एनक्रिप्ट किया तो बी की पब्लिक की से कोई भी यूजर उसको एक्सेस कर सकता है, विच मीन्स यहां पर भी हम कॉन्फिडेंशियलिटी को अचीव नहीं कर सकते. आफ्टर दैट हम देखते हैं, अगर मैं एक ही प्राइवेट की से एनक्रिप्ट कर दूं,
अगर मैं मैसेज को एक ही प्राइवेट की से एनक्रिप्ट करके सेंड करूंगा, उस केस में क्या होगा कि एक ही प्राइवेट की से सेंड किया है मैंने, तो एक ही पब्लिक की भी सभी के पास में होगी, तो वहां पर भी कॉन्फिडेंशियलिटी अचीव करवाना पॉसिबल नहीं होगा। मतलब यहां पर भी कोई थर्ड पर्सन उस मैसेज को एक्सेस कर सकता है। अब जो फोर्थ चीज बचती है आपका आखिरी केस, उसमें क्या होगा कि हम मैसेज को क्या करें, बी की पब्लिक की से एनक्रिप्ट कर दें। अब अगर मैं मैसेज को बी की पब्लिक की से एनक्रिप्ट करूंगा तो वो बी की प्राइवेट की से ओपन हो जाएगा, और बी की जो पब्लिक की है वो या तो कभी उसने मुझे ब्रॉडकास्ट की होगी या फिर कोई सर्टिफाइड या ऑथराइज्ड कोई पर्सन होगा, मैं उससे बी की पब्लिक की ले सकता हूं कि मुझे बी के साथ में कम्युनिकेट करना है, मैसेज को सेंड करना है। तो बी की पब्लिक की है वो पब्लिकली होती है, ब्रॉडकास्ट होती है। बी की पब्लिक की से अगर मैं इस मैसेज को इनक्रिप्ट करता हूं और इसको जब मैं सेंड करूंगा तो बी की प्राइवेट की से सीधी सी बात है उससे ओपन होगा, बी उसको इजीली अपनी प्राइवेट की से डिक्रिप्ट कर लेगा या फिर अनलॉक कर लेगा। मतलब कि अगर मुझे असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी की हेल्प से की के पेयर से अगर मुझे मैसेज को सेंड करना है तो किस कंडीशन में कर सकता हूं मैं, अगर मुझे मैसेज को सेंड करना है तो बी की पब्लिक की से मैं मैसेज को एनक्रिप्ट कर दूंगा या लॉक कर दूंगा तो बी अपनी प्राइवेट की से उस मैसेज को इजीली ओपन करता है। ओके, तो ये था हमारा असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, असिमेट्रिक की मेथड, जिसमें हम क्या करते हैं की के पेयर को यूज करते हैं, एक होती है पब्लिक की और एक प्राइवेट की। किसी भी मैसेज को उस मैसेज की पब्लिक की से एनक्रिप्ट किया है तो वो प्राइवेट की से उसी की प्राइवेट की से ओपन होगा, और किसी मैसेज को किसी की पब्लिक की से प्राइवेट की से क्लॉक किया है तो वो उसी की पब्लिक की से ओपन या डिक्रिप्ट होगा। ओके, आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को इसको समझने में थोड़ी हेल्प मिली होगी। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।